नमस्कार जिला रिपोर्ट को आपण मानको स्वागत करूछि मु बंदिता आसीबा संपूर्ण खबर को दुई दिन हेबो बारीपदा शहर समेत मयूरभंज विभिन्न अंचल जारी रही वर्षा बारीपदार एक घर भुशुड़ी पड़ा सह रईरंगपुर विजाताल भुशुड़ी पड़ी पोल अनेक प्रभावित लोक बन्या आश्रयस्थल रखी अन्य केतक निजे सुरक्षित स्थान को चली आसवा देखा मिली गोटेपटे कोरोना महामारी अंपटे वर्षा बन्या बढ़ाई जिला प्रशासन चिंता लगाण वर्षे बेहाल मयूरभंज उछुड़ी बुढ़ा बड़ंग शाखा नदी जराली और सरली भी बन्या जल बारीपदा सहर विभिन्न अंचल में जमी वर्षा पा 14 नंबर वार्ड में जल निष्कासन समस्या जगू केतेक घरे पानी बसी 16 नंबर 11 नंबर और 24 नंबर वार्ड में समान समस्या मधुबन अंचल में गोटे कोठाघर भांगी अल्पते बर्ती जाइछन्ति परिवार तेणु आशा करूँ जे बहुत जोर सोरे बनियाटा हम लोक मैंने भी भयभीत हो गले बर्तमान सुधा आम बनियाश्रयस्थल स्कूल घर एगुड़ा जा लोक मैंने थैथान हो गले घर बाहरी गलु आम कि नहीं पार्लुनि आम बहुत हईराण होने जापारुनि आमको कि सरकार को सहायता मिलू आम छुआ पिला भी बहुत उपवास एत पर्यटन रही कि आम चूड़ा चावल किसी खाइलु पाटर दाना देन एत पर्यटन प्रतिवर्ष वर्षा दिने लोके समान समस्यार सम्मुखीन होउछन्ती तेणु यार स्थायी समाधान दाबी करिछन्ती विलंबित राति रे बारीपदा पौर निर्वाही प्रभावित लोकंकु बन्या आश्रयस्थली एवं स्कूल घरकु स्थानांतर करिछन्ती सेपरि डेप्युटी कलेक्टर कहिछन्ती तळिया अंचलर लोकमानकु बन्या आश्रयस्थली रे रखिबा सह समस्त प्रकारर व्यवस्था करा जाउछि एटा पीक रे अछि बर्षा पानी रो वाटर लेवल हाई अछि आउ आशा करा जाय जदि वर्षा नहला तले बडी बनु किंतु जदि वर्षा सेभली कंटिन्यू रहिला उपर मुंडरे किंवा मयूरभंज जिला उपर ताले आज राति पई भी हम सजाग रहिया पड़िबो जदि पानी पड़िला ताले हमर तळिया अंचल जोटा अछि बारीपदा सहर ताकु आमे आनि के सुरक्षित जगह रखिया पई ताको रंदा खाद्य र आयोजन ऑलरेडी करा हि जाई छि बन्या परिस्थिति सहित तळी अंचल गुडी करे लोक को सतर्क कराइ छि जिला प्रशासन मयूरभंज रविंद्र नायक न्यूज 18 ओडिया बैतरणी नदी उपर मुंडे प्रबल वर्षा होगा फल केन्दुझर जिला आनंदपुर बैतरणी नदी जलस्तर विपद संकेत उपर प्रवाहित होपटे 49 नंबर जातीय राजपथ तुरुमुंगा बैतरणी नदी पोल उपर 3 फुट उच्चल बन्या जल प्रवाहित होउथिबारु कोलकातारु मुंबई यातायात बाधाप्राप्त होइछि घसीपुरा ब्लक सालदेई पंचायत नपंगा बेलदा बरीबरुआ कैथपाटणा गांव में बन्या जल पशि जाइछि लोकंकु प्रशासन पक्षरु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर कराजिबाकु उद्यम जारी रहिछि सेपटे केन्दुझर पटना ढेंकीकोट रास्तार स्वामनाल निकटे धान बोझे ट्रक पानी सुअर भासी जाता ट्रक चालकों मृत्यु होता बेले हेल्पर को गुरुतर अवस्था उद्धार करपर आनंदपुर थाना जंजाली निकट एक नाड़े कार भासी जा कार भितर तीन जन लोक से स्थित संपर्क में कौन सूचना मिलना नदी ए वर्ष प्राय प्रथम नदी बढ़ी आम गाधवा भितर दुईटा पज उपरको चढ़ला आउ वर्षा अपर मुंडे होती कहते या पर अधिका बढ़ो आपद संगत उपर रमर तीन टा जाक ब्लक रु बर्तमान हाटडीह तहसिल आम टे फिल कर ग्रेविटी अच्छी सिचुएसन तो विडीओ तहसिलदार अलरेडी फिल्ड में अच्छा आमर जो लो लाइंग लैंड अच्छी समणा करागला एवं सेपटे जिते अच्छे सब विडीओ तहसिलदार जा मॉनिटरिंग कर सेमती किछि वर्तमान परिस्थिति आसिन तथापि आमे सजाग रहुछु एवं प्रिकॉशनरी मेजर नउछु अनुगुल जिल्ला रे लगाण वर्षा विभिन्न नाळगुडी करे पानी बढ़िछि किशोरनगर ब्लॉक एवं कणिहा ब्लॉक रे अधिक वर्षा होइछि गतकाली ठारु अनुगुल ब्लॉक रे 70 एवं बहरपाल ब्लॉक रे 92 छेंडीपदा ब्लॉक रे 28 तालचर ब्लॉक रे 95 कणिहा ब्लॉक रे 80 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि धान क्षेत्र में पानी जमी रही रेंगाली रे गांव भितर पानी पशि जाइछि प्राय 30 परिवार पानी भितर अछन्ति रेंगाली रे दमकल बाहिनी पहुंची घर भितर जल निष्कासन करुछि कणिहा वीडियो रेंगाली गांव में पहुंची स्थिति देखिछन्ति आठमल्लिक विधायक घटनास्थल में पहुंची उद्धार कार्यर तदारख करिछन्ति सेपटे ब्राह्मणी और शाखा नदी रामियाल फुलवा जो विभिन्न अंचल आशंका प्रकाश पाई जमुनाकोट सेतु उपर 3 फुट्र पा प्रवाहित होने जमुनाकोट मार्थापुर मध्य जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइछि घर कौन सीठे किसी फाका ना आम कौटे पिला छुआ खाइबे कौन सब बस रात सारा रात निद्रा होई पारुन कौटे सब उदा हो रही आरंभ करियाकटा पंचायत आरंभ कर टिकरबड़ा पर्यटन जो पखापाखी 7-8 गोटी पंचायत नदी खंडी अच्छे महानदी खंडी से गुड़ाक आफेक्टेड होवार
आशंका मध्य अछि समस्त मध्य सतर्क करि दिया हेछि एवं विशेष करी हमरो तहसीलदार सब कलेक्टर वीडियो माने जोन सु हमरो अछन्ति सेही हमरो काम करबा पई ताक मध्य सरकार तरफ मध्य सतर्क करा जायछि। अनुगुल जिल्ला रे लगाण वर्षा विभिन्न नाल गुड़िक पानी बढ़ी किशोरनगर ब्लक कणीहा ब्लक रे अधिक वर्षा होई गतकाली ठारु अनुगुल ब्लक रे मध्य भल वर्षा होई रेंगाली रे गांव भितरे पानी पसि जाई धान क्षेत्रे भी पानी जमी रही प्राय 30 परिवार पानी भितरे अछंती एवं रेंगाली रे दमकल बाहिनी पहुंची घर भितर जल निष्कासन करुछि। जमुनाकोट सेतु उपरे 3 फुट रो पानी रही जाफल रे जमुनाकोट मार्थापुर मध्य रे जोगाजोग विच्छिन्न होई जाई ब्राह्मणी और शाखा नदी रामियाल फुलवा जो विभिन्न अंचल में आशंका प्रकाश पाई। बालेश्वर जिले में लघुचाप जनित लगाण वर्षा उछुड़ी बुढ़ा बलंग विपद संकेत उपरे जलका तेणु आसन्न बन्या को नहीं तलिया अंचल लोके छानिया एबे भी पानी घेरे 20 रु अधिक पंचायत बस्ता मेडिकल भी पशिची पा बुड़ी रही हजार हजार हेक्टर चाष जमी लगाण वर्षे बेहाल बालेश्वर जिलार समस्त नदीर जलस्तर बढ़ी जलका विपद संकेत उपरे प्रवाहित बुढ़ा बलंग भी उछुड़ मुछुड़ जलकार जलस्तर बढ़िवारु बस्ता ब्लक पत्रछड़ा दरड़ा मुकुलुसी बाहरदा और मथानी आदि पंचायत प्रभावित सेहीपरि सदर ब्लक 20 रु अधिक पंचायत रे भी पानी पशिछि फुलाड़ी कसीमला सिंधिया पैंचा गिजुरी बजार भुड़ापदा बासंती सिंधिया टोटापाड़ पाखराबाड़ रघुनाथपुर आदि पंचायतर हजार हजार हेक्टर चाष जमि बन्या पानी लहड़ी मारुछि। लगाण बर्षार उगुटुकु बालेश्वर बस्ता मेडिकल परिस्थिति एपरिजे आखिरे न देखिले विश्वास हेबनि आउटडोर ठू आरंभ कर सबु वार्डे पशिछि पानी रोगी माने निरुपाय होई जिनिषपत्र धरी मेडिकल को बाहरी जाइछन जलका माड़ी आज आम तो घर द्वार बाहरी पारे गोरछ काढ़ी पारने जदि न काढ़ी पारे आम बड़ असुविधार पड़ रहीचे पा तो बारंबार माड़ू ये आम रहीचे दुनिया आउ किस करवा देशर आपर तो ताश तो गला आसर परिस्थिति आ बहुत खराब बड़ छुआ पा नहीं तो हड़ा छेली गुरु कि खाइबे किस करेंगे बनिया एमती बारंबार तो आमको तीन थर है हरा कलानी ताश भी तो एक गलानी घर पाखर तो आम पानी आसी पहुँची गलानी बनिया को नहीं प्रशासन प्रस्तुत जिला जरूरकालीन कार्यालय पूरा स्थिति उपरे नजर रखा जाउछि समस्त ब्लॉक रे अग्निशम विभाग को प्रस्तुत रखा जाइछि। भुवनेश्वर एक ओड्राफ टीम बालेश्वर अभिमुखे आसुछि एथिसहित एनडीआरएफ टीम मध्य प्रस्तुत रहिछि आवश्यक हेले लोकंकु सुरक्षित स्थान को अणाजीबा सहित सुखिला खाद्यर व्यवस्था करा जायतिबा नै सूचना दैछन्ती जरूरीकालीन अधिकारी। किछि एरिया रे हमरो वाटर लॉगिंग कंडीशन किछि ब्लॉक रिपोर्ट करिछन्ती किछि तहसीलदार आउ किछि बहुत कम कच्चा हाउसेस भी टिके पार्शियली डैमेज हबर रिपोर्ट आसीछि बट ओवरऑली हम रेडी असु जते भी लाइन डिपार्टमेंट अछि समस्तक अलर्ट रखिबु एनडीआरएफ ओड्राफ समस्त अलर्ट कर दिया जाए इन केस जदि आउ बेसी रेनफॉल हुए कि इवैक्यूएशन दरकार पड़े तो से अनुसार हमें वी विल टेक नेसेसरी एक्शन। ऊपर मुंडरे एबे वर्षा जारी रहितिबारु संभाव्य बन्या नै समस्त सतर्क रहिबाकु निर्देश दिया जाइछि। बालेश्वरु सत्यजित सेनापति न्यूज 18 ओडिया। फेल मारिछि सरकारक मो गुहाळ योजना पूरी पिपिली अंचल रे कागज कलम रे चालिछि योजना ना मिलुछि गृहपालित पशु मो गुहा ना मिलुछि चिकित्सा सुविधा खाद्य अभाव विभिन्न रोग से गाई गोरु आक्रांत होउछन्ती सेपटे ब्लॉक अध्यक्ष कहिछन्ती तदंत करा जाय निया जीव पदक्षेप पूरी पिपिली रे बाटबड़ा मो गुहा योजना ब्लॉक रो दान मुकुंदपुर मंगलपुर कुलशेखर पाटणा दुर्गादासपुर पंचायत रे 10,000 रु ऊर्ध गोरु गाई रखी जीविका निर्वाह करिथंती चाषी मात्र गोरु गाई चिकित्सा लागि रहितबा भेटनरी डाक्टरखाना
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଈଗୋରୁ। ସେପଟେ ଚାରଣାଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ମିଳୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ମିଳୁନି। ପ୍ରଥମତଃ ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଆସିଛି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଟମାରଣା କରାହେଉଛି ତାକୁ ସରକାରୀ ଦଳର କର୍ମୀ ଆଉ ନେତା ଏମାନେ ସାଲିସ ମାଲିସ କରି ତାଙ୍କ ଯାହାର ଗୁହାଳ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାହେଉଛି। ଫନି ବାତ୍ୟା ଆସିଲାଠୁ ଏମିତି ଗୁହାଳ ଫୁହାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ାକ ହଟ ହଟା ହୁଅନ୍ତି, କୁଟା ପାଳ କୌଣସି ପାଉନୁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତ ସରକାର କରିବେ ରହିଲୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ଛଟପଟ ହୋଇ ମଲୁ ଆଉ କହିବୁ କାହା କ'ଣ। ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ସେପଟେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମାଧାନ କରାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ସେହିପରି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାଟା ଚାଲୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ପଳାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆସୁ, ଘାସ ଚାଷ କରାଯାଉ, ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ଘାସ ଠିକ୍ ସେ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୁହାଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଗୁହାଳ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥା ବିଡିଓଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହୋଇ କ'ଣ କେଉଁ ଯାଙ୍କେ ସେ କାମ ହୋଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଯେ କେଉଁ ଯାଙ୍କେ ହେଇଛି କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଗୁହାଳ ଆମର କେମିତି ଗୁହାଳ କିଛି ଅଛି, ସେ ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଜି ସ୍କିମ୍ ତ ସେଟା ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କରିକି ଯୋଉ ଦେବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଦେବେ, ଆମର କିଛି ଗୁହାଳ ସ୍କିମ୍ କିଛି ଆସିନି। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ପଠେଇଲେ ବ୍ଲକ ଦବ ପଠେଇବ ଆମକୁ, ଆମେ ତାକୁ ପଠେଇବୁ। କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମ ବାଟବଣା ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂ ରାୟନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେଇଯିବା ଏକ ବିରତି। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ସହର ଜୀବିକା ମିଶନ ଜରିଆରେ 490 ଜଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଛି ପୌର ପ୍ରଶାସନ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଏଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହରରେ ଥିବା ମୋଟ 490 ଜଣ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3 ମାସ ଯାଏଁ ଦିଆଯିବ ସହାୟତା। ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଦୋକାନୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବେପାର ତ ଠିକ ହେଉନି, ଆଉ 7ଟାରେ ଆସୁଛୁ, ଏଠି ଖୋଲିଲା ଆସିକି 8ଟା ପରେ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ 2ଟାରେ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ଓଳିଟେ ବେପାର ଜିନିଷ ଫେରେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସହାୟତା କାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନି। ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ଆମେ ପାଇନୁ କିଛି। ଯେ ତ ଦୁଃଖ ସଙ୍ଗୀ ଚଳିବା କଥା, କାମ ତ ବେପାର ନାହିଁ, ଆଉ ବଜାର ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି 8 ଦିନ 4 ଦିନ ଏକାପଟିଆ ରହୁଛୁ, ଆଉ ବେପାର 550, 100, 200 ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଏନିସାରେ ତ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ଆଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହର ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବସିଡିରେ ଦିଆଯାଉଛି 10000 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କୋହଳ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ହିସାବରେ March 24, 2020 ଭିତରେ ଯେତିକି ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବାର୍ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନିଧି ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କୋହଳ କରିବା ଦରକାର, କୋହଳ କଲେ କେମିତି ଛୋଟ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ କେମିତି ପେଟ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
दलाल जरिया पड़ोसी छत्तीसगढ़ राज्य को कोटि कोटि टंकार औषधीय वृक्षलता और गुल्म चोरा चालाण होता बेले वन विभाग चुप बसि सेपटे विलुप्त औषधीय वृक्षलतार पुनरुद्धार और विभिन्न रोगर निराकरण पर अंटा भिड़ी संबलपुर विश्वविद्यालय बायोटेक्नोलोजी विभाग और बरगड़ अग्रगामी बायोडायभरसीटी सेल बरगढ़ जिला डेब्रीगढ़ अभयारण्य उपरे दलाल और माफिया नजर अभयारण्य औषधीय वृक्षलता गुल्म आदि रक्षणाबेक्षण अभाव असुरक्षित और अवक्षय होबारे बसला पड़ोसी छत्तीसगढ़ राज्य को कोटि कोटि टंकार औषधीय वृक्षलता और गुल्म चोरा चालाण करसबू घटना जाशु वन विभाग और हीराकुद वन्यप्राणी विभाग चुप आसी तेरे विलुप्त औषधीय वृक्षलतार पुनरुद्धार और कर्कट भली विभिन्न मारात्मक रोगर निराकरण पर अंटा भिड़ी संबलपुर विश्वविद्यालय बायोटेक्नोलोजी विभाग और बरगढ़ अग्रगामी बायोडायभरसीटी सेल एपरी अनेक उद्भिद अच्छी जेनटा कि ओडिशार फ्लोरा फोना रे इनक्लूड नहीं सेटा भी तर आम एरिया रे रही निश्चित रूपे यार संरक्षण दरकार आर जितकी मेडिसिनल प्लांट अच्छे अधिकांश होचे ता तो ग्राउंड फ्लोरा रे रहूचे आ सेटा नष्ट होइजवार द्वारा आम लाभ कम हो क्षति बेसी हो जगह आम देख लु बहुत गुड़े मेडिसिनल प्लांट्स अच्छी आ गए लोकल हर्बेरियम भी करके डेमोनस्ट्रेसन करने कौन कौन मेडिसिनल प्लांट्स अच्छी आम ये देवीगढ़ अंचल तो आम बुसिक देखिक सर्वे करुँ आउ तार अनेक गुड़े तरह औषधीय गुण विषय आम गवेषणा करें देवीगढ़ जंगल किसी पार्ट आम आज भ्रमण करूँ आ औषधीय प्लांट मैंने चिंधिलु पा देछू से गुड़ाकर अल्कलॉइड बाहर करा भिन्न भिन्न रोग से केमती सेटा लगा जाए पर रोग केमती हिसाब से चिकित्सा करा जाए पर से विषय प्लांट गुड़ाक नहीं जाऊ जनिया गवेषक टीम डेब्रीगढ़ अभयारण्य अधीन संबरधरा और रामखोल जंगल रे 66 प्रकार औषधीय वृक्षलता गुल्म शैवाल चिन्हट करी तार नमूना संग्रह करी संग्रहित नमूना को वैज्ञानिक उपाय रे परीक्षण करा जिवो ताहा सफल हेले रोगी को सेवा रे व्यवहृत करा जिवो सेपटे अभयारण्य रु चोरा चालाण रोकिबा और एहार रक्षणाबेक्षण पई मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण करा जिवो बोली स्थानीय विधायक कहिसंती ये गोटे जैव विविधतार गोटे पिंड जोड़ा कि जान प्लाजम कंजर्वेशन सेंटर टे रो एवं मुझे आम विभाग विधायक को अनुरोध करी ये जगार गोटे एप तैयारी हे जो ट्री भ्यूज ट्रीज एप्स जमीका तमिलनाडु अन्य राज्य में तैयारी जे गोटे साधारण छात्र टीए गोटे गवेषक टीए अध्यापक टीए सहज जापर जे ये जगार विविधता कौन अच्छे कौ उद्भिद अच्छा कौन अच्छे कौ शैवाल कौ गुल्म कौन अच्छा जिन जिन जगार आम औषधीय गछ अच्छे से आम के पुनरुद्धार कर पार्मा से निश्चित भाव राज्य सरकार तरफ जहाँ जहाँ पदक्षेप नेबार कथा से निश्चित भाव में जंगल विभाग और अन्य विभाग से आलोचना करार कम करवा लगे चेष्टा करमा डेब्रीगढ़ अभयारण्य सह पश्चिम ओडिशारे थिबा औषधीय वृक्षलता गुल्म शैवाल आदि को नहीं डिजिटल डाटाबेस करिबा सह औषधीय वृक्ष राज्य संरक्षण पाई केन्द्र और राज्य सरकार विहित पदक्षेप नेबाकु दावी होइछे बरगढ़ जिला डेब्रीगढ़ रामखोल अभयारण्य रंजन कुमार देवता न्यूज 18 ओडिया पारंपरिक मंडल चित्रकला श्वेत पद्मा को देछि भिन्न एक परिचय केन्दुझर मेधावी छात्री श्वेतपद्मा स्नायु रोग से पीड़ित होगा पर अधारू पाठ छाड़ी किंतु इच्छा शक्ति आगे हार मानी शारीरिक असुस्थता पारंपरिक मंडल चित्रकला सह जापानीज जेन्टाइल पद्धतिर मिश्रण कर कलाकृति जहां कर स्वतंत्र परिचय कला देछि श्वेत पद्मा स्वतंत्र परिचय केन्दुझर सहर पाख ब्राह्मणी गाँव में रुहति श्वेत पद्मा पारंपरिक मंडल आर्ट सहित जापानीज जिनाटांगल पद्धतिर मिश्रण कर अति सुंदर कलाकृति तैयारी करुछंती श्वेत पद्मा प्रथमे से केवल देवदेवी चित्र आंकुले एवं सबु प्रकार चित्र आंकुंती खाली चित्र कहीं हृदयस्पर्शी कविता रचना सह आवृत्ति करुछंती
ଛୋଟ ବେଳୁ ମୋର ଆର୍ଟରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଜେଜେମାଠୁ ଝୋଟି ଆଉ ମୁରୁଜ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିକି ଶିଖିଥିଲି। ଆଉ ବାବା ବି ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ଯେବେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲି, ସେଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆର୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଟିକେ ଜାଣିବାର ହେଲାଠୁ ଝୋଟି ମୁରୁଜ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରେ, ଲେଖେ, ଆଉ ତାକୁ ହାତ ଟାଣ ହେଲାଠୁ ପାଠ ଲେଖେ ଲେଖେ ଖଡ଼ିରେ ତଳେ ବି ଭୂଇଁରେ ବି ଆଗେ ଲେଖା କରାଏ। ତାପରେ ଖଡ଼ିଟିଏ ତା ସିଲେଟ୍ଟିଏ ତା ବାପା ଆଣିଦେଲାଠୁ ଲେଖିଲା। ବାପା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ମା ସୁଲୋଚନାଙ୍କର ଶ୍ୱେତପଦ୍ମ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବିରଳ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାରୁ ଅଧାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଓ 4 ବର୍ଷର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପାରମ୍ପରିକ ମଣ୍ଡଲ ଆର୍ଟ। ଏବେ ସେ ଏହି କଳାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳ କଳା ଆର୍ଟ କରୁଛି, କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କଳା, ସିଏ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା। ସେଥିରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ଚିତ୍ର କରୁଛି। ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟସ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟସ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ସେଦିନେ ବହୁତ ଭଲ ନାଁ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ କହିବି, ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଗକୁ ନେଇଛି, ପଛକୁ ଚାହିଁନି ଜମା। ସେ ତ ଆମ ସୁନା ଝିଅ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା, ଆମ ସୁନା ଝିଅ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରର ଝିଅ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଭୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।